बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मुमताज़ सिद्दीकी और वेलकम टू माय चैनल मुमताज़ डायरीज़। आज मैं लाई हूं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो जो कि आज मैंने बनाई है बच्चों के ऊपर कॉलिक पेन। बच्चों में कॉलिक पेन पाया जाता है, पहले तो ये जान लीजिए कि कॉलिक होता क्या है। बच्चों के पेट में जो गैस, बरोर, कब्ज या पेट में जो दर्द होता है, इनकी तमाम शिकायत को कॉलिक कहा जाता है और इसका बहुत ही आसान हल है। फ्रेंड्स, अब ये जान लेते हैं कि बच्चों में कॉलिक होता क्यों है, कॉलिक की क्या वजह है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो बच्चा अपनी आंतों को खोल रहा होता है, उसकी आंतें जो हैं वो स्ट्रेच हो रही होती हैं और इसके साथ साथ वो गैस भी प्रोड्यूस कर रहा होता है। आंतें खुलने की वजह से उसके पेट में दर्द, मरोड़ और गैसेस प्रोड्यूस हो रही होती हैं। तो इस सिचुएशन में आप बच्चे को ये कॉलिक ड्रॉप्स दे सकते हैं जो कि बिल्कुल हर्बल प्रोडक्ट है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और ये भी बताते चलूँ कि कॉलिक ड्रॉप्स कितने देने चाहिए। जितना बड़ा बच्चा है यानी कि बच्चे के वज़न के हिसाब से खासकर डोज जो है वो देनी चाहिए। सपोज़ अगर बच्चा आपका 3 kg है तो 3 ड्रॉप्स ही आपने उसको पिलाने हैं कॉलिक ड्रॉप्स के। इसके अलावा आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चे को कॉलिक पेन है? अगर बच्चा आपका अपने आप को फोल्ड करता है या आवाज़ें निकालता है या पेट बाहर निकालता है तो इसका मतलब है आपके बच्चे को जो है वो कॉलिक पेन है। तो ऐसी सूरत हाल में आपने अपने पास ये 3 तरह के जो है ड्रॉप्स रखने हैं, कॉलिक ड्रॉप्स या घुट्टी। इसके अलावा ग्रैप वाटर भी आप दे सकते हैं। दूसरी चीज़ है मसाज। आप अपने बच्चे के पेट पे यानी कि टमी पे आप ऑयल का मसाज भी कर सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा उसको रिलीफ मिलेगा, वो हैप्पी फील करेगा, बहुत पुरसकून फील करेगा। आपने अपने हाथ में इस तरह से अपने हाथ को पहले आपने वार्म कर लेना है और उसमें थोड़ा सा जैतून का तेल जो है वो इस तरह से लगा के बच्चे के पेट पर इस तरह से हल्के हाथों से आपने उसको मसाज देना है ताकि वो गैस ईजिली रिलीज़ कर सके, उसका पेट का जो दर्द है वो कम हो सके। तो आपने ये एक्सरसाइज भी बच्चे के साथ करनी है। बस बच्चों में ये पेन जो है वो सिर्फ 3 माह तक ही है और सबसे ज़्यादा जो पेन जो होता है वो 1.5 माह की एज में होता है। और 3 माह में बच्चा जो है उसके बाद जो है बच्चा काफ़ी हद तक रिलैक्स हो चुका होता है, यानी उसकी आंतें जो हैं वो अच्छे से खुल चुकी होती हैं, बढ़ चुकी होती हैं, बच्चा रिलैक्स फील करता है। एक और अहम बात फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है। जब जब आपने अपने बच्चे को फीड कराएं, चाहे वो मदर फीड पे हो या वो पाउडर मिल्क ले रहा हो, तो दूध पिलाने के बाद आपने बच्चे को अपने कंधे से लगाना है और उसको डकार ज़रूर दिलानी है। जब तक वो डकार ना ले ले आपने उसको बिस्तर पर नहीं लिटाना, कंधे से लगा के आपने उसके कमर पे हल्के हल्के हाथों से थपथपाना है, हाथ अपने बच्चे का कमर पे अपना हाथ फेरना है और उसको फिर लिटाना है जब तक वो डकार ना ले ले। एक और ख़ास बात मैं आपको बताती चलूँ, घर में जो माएँ होती हैं वो बच्चे को जो फीडर दे रही होती हैं तो जल्दी जल्दी दूध बना के पिला रही होती हैं। दूध बनाते वक्त ख़ास ख्याल ये रखना है कि जब आप बॉटल के अंदर जब दूध बना रहे होते हैं बच्चे के लिए तो आपने उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से शेक नहीं करना है। अगर आप उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से शेक करेंगे यानी कि उसको मिलाएंगे दूध और पानी को, तो उसके अंदर झाग जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा जो कि गैसेस होती हैं एक तरह से, जो बच्चा इनहेल करने में बहुत प्रॉब्लम से यानी पीने में उसको बहुत प्रॉब्लम होती है और गैस जो है वो उसके पेट में चली जाती है और इससे भी उसके पेन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।